के बाद आपके ही एक सहयोगी हैं अपना दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल जी ने कहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी बीजेपी की हमारी उपेक्षा कर रही है और 2019 में हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और हमारा कद बड़ा है, अब हमें सीट भी ज्यादा चाहिए। ऐसा है, श्री आशीष जी पटेल अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनकी वरिष्ठ नेता केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, इन सब लोगों से हमारे बड़े जिम्मेवार सहयोगी हैं, बड़ा सौहार्दपूर्ण संबंध है। हम लोगों ने साथ में मिलकर आशीष पटेल जी को अभी MLC भी बनाया, हर विषय पर संवाद है और यदि कहीं कोई दिक्कत है कठिनाई है तो उनकी बातों का संज्ञान लिया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। हम लोग मिलकर के जनता के कल्याण का काम में लगे हुए हैं, आगे भी हम और हमारे सहयोगी अपना दल सोनेलाल मिलकर काम करते रहे। तो सीधे सीधे आरोप लगा कि कल मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन था, अनुप्रिया पटेल की उपेक्षा की गई, उनकी उपेक्षा की गई, नहीं होती है ऐसा कहीं नहीं है। अभी मेरी गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी से बात हुई है, वो खुद आग्रह करने वाले हैं कि नड्डा जी और अनुप्रिया जी दोनों लोग आए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब जगह सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं और कहीं कोई बातों की तो मैंने कहा ना उसका समाधान किया। आपने जिस तरह से बिहार में अमित शाह जी ने फार्मूला अपनाया उसी तर्ज पर अब अखिलेश और मायावती जी भी फार्मूला अपनाने जा रहे हैं यूपी में। अभी अखिलेश मायावती जी को बहुत सी ट्रेनिंग लेनी है, अमित शाह बहुत गहराई से संगठन और राजनीतिक निर्णय लेते हैं, भाजपा उनके नेतृत्व में मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व में पुनः 2019 में शानदार सफलता पाने वाली है, ये सब सहयोगी हमारे साथ रहने वाले।